नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। खरगोन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में बसा ग्राम सलौटिया, जहां पहुंचने का खेत सड़क रोज भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गया। विगत 2 वर्ष पूर्व 14 लाख रुपए की लागत से मार्ग निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन रोड निर्माण शुरू होने के 2 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तारीख तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। अधूरे मार्ग निर्माण से ग्रामीणों को मार्ग से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मार्ग पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार सरपंच व सचिव से की, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों ने जिले में कलेक्टर व सांसद को ज्ञापन सौंपा और अधूरे रोड निर्माण को पूरा करवाने की मांग की। सर, वो रोड नहीं बन रहा यार, 14 लाख का आया था। अच्छा, सब कोई बात ना, कोई ध्यान देता नहीं, 7 लाख रुपया निकाल खाएगा और रोड अधूरा पड़ा। अभी ये कब से अधूरा पड़ा हुआ है रोड? ये कम से कम 2 साल है अभी। ये रोड किसके अंतर्गत आ रहा है? ये पंचायत तरफ से आ रहा। और इसकी शिकायत आपने सरपंच और सचिव से की क्या? सबको बोल दिया ने, सचिव भी कह दिया, सबको बोल दिया। उसका बाद में मंत्री दिया था अपने नरसिंह पिता जयमाल, उसका भी दिया था। और हाँ, सांगी को रामेश्वर से उसको भी दिया था, वो भी आधारा काम करके छोड़ गया। वो भी ये रोड कहाँ से कहाँ तक का है? ये यहाँ से बेजापुरा से जोगदरा फलिया से चारण फलिया तक जा रहे हो, 3 किलोमीटर लोग ये रोड है। खरगोन से धर्मेश कुमावत की रिपोर्ट।